हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट हम देखेंगे हमें डिटरमाइन क्या करना है। तो हमें जो डिटरमाइन करना है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना है, और किसके अबाउट डिटरमाइन करना है। हमें डिटरमाइन करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? मीटर स्केल का। तो मीटर स्केल यहाँ पे अगर मैं सपोज करूँ, और ये मेरे पास जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीटर स्केल का। तो मीटर स्केल कहाँ से कहाँ होगी? मीटर स्केल जो होगी मेरे पास वो 0 to 100 सेंटीमीटर होगी। तो ये मीटर स्केल को मैं सपोज कर रहा हूँ, दिस इज योर 50 सेंटीमीटर, क्योंकि बाइसेक्टर जो होगा वो हमारा पास कहाँ पे होगा? 50 सेंटीमीटर पे होगा। और इसको मैं सपोज क्या कर रहा हूँ, इसको मैं सपोज कर रहा हूँ 0 सेंटीमीटर। और मीटर स्केल का ये जो पॉइंट होगा ये मेरे पास क्या होगा? 100 सेंटीमीटर। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल कैसे दिया हुआ उसने। 1 ग्राम, 1 ग्राम पार्टिकल्स जो है वो कहाँ पे है? 1 ग्राम पार्टिकल्स जो है वो 1 सेंटीमीटर के ऊपर है। तो 1 सेंटीमीटर के ऊपर जो पार्टिकल है वो 1 ग्राम है, दिस इज योर 1 सेंटीमीटर। सेम 2 सेंटीमीटर के ऊपर, 2 सेंटीमीटर के ऊपर जो पार्टिकल होगा वो कितना होगा? 2 ग्राम। तो यहाँ पे आ जाओ 49 पे, 49 सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल होगा उसका मास कितना होगा? 49 ग्राम। 49 से पहले क्या आएगा? 48। तो 48 सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल होगा उसका मास कितना होगा? 48 ग्राम। सेम इसके राइट साइड में आ जाओ, 50 सेंटीमीटर के बाद क्या आएगा? 51। तो यहाँ पे जो पार्टिकल का मास होगा वो 51 ग्राम होगा। नेक्स्ट जो आएगा पार्टिकल का मास जो 52 सेंटीमीटर पे होगा वो 52 ग्राम होगा। तो ये जो है वो 52 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ये कहाँ तक है? ये जो है वो 100 तक है, और यहाँ पे कहाँ तक है? 0 सेंटीमीटर तक। तो अगर मैं इनके डिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ से 51 ग्राम का जो डिस्टेंस होगा दैट इज 1 सेंटीमीटर। 52 ग्राम का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? वो मेरे पास 2 सेंटीमीटर होगा। सेम 49 का डिस्टेंस जो होगा एक्सिस रोटेशन से वो कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। 48 का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 2 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं फर्स्ट जो निकालूँ, मैं पेयर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं किसका निकाल रहा हूँ? 49 ग्राम का और 51 ग्राम का। 49 का डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। 51 का डिस्टेंस भी कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ वो 49 एंड 51 का डिटरमाइन कर रहा हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? प्रोडक्ट ऑफ मास, मास कितना है 49 पे? 49। और स्केयर ऑफ डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस रोटेशन से? 1 सेंटीमीटर। तो 1 का स्केयर प्लस प्लस आएगा यहाँ पे प्लस 51, और 51 का एक्सिस रोटेशन से डिस्टेंस कितना है? वो भी 1 का है, 1 सेंटीमीटर है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 स्केयर कॉमन आएगा, 49 प्लस 51, ये बन जाएगा 101 स्केयर, 100 into 1 स्केयर। तो उसी तरह से अगर मैं आई टू डिटरमाइन करूँ, आई टू किसके लिए निकालूँ? 49 है तो 49 से पीछे क्या आएगा? 48। 51 से आगे क्या आएगा? 52। इन दोनों के लिए अगर मैं निकालूँ तो इन दोनों के केस में कितना आ जाएगा? 48। और 48 का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 48 का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 52, 52 का डिस्टेंस कितना आएगा? अगेन 2 आएगा, 2 का स्क्वायर। तो 48 एंड 52 दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा? 100, और 2 स्क्वायर कॉमन, तो ये कितना आ जाएगा? 100 2 स्क्वायर। तो उस तरह से ये मेरे पास जो टर्म्स हैं वो सभी के लिए जो आ जाएगा क्लियर। और लास्ट में जो मेरे पास बचती है, सेकंड लास्ट की बात करते हैं, सेकंड लास्ट जो है मेरे पास वो कौन सी आ जाएगी? 49th टर्म तो आएगी। 49 टर्म्स कौन सी होगी? 49 टर्म्स में 48 के बाद 47, 47 के बाद 46, तो इस तरह से माइनस करते जाएं तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे? 1 पे। और इस तरह से 52, 52 के बाद 53, 54, तो वो कहाँ पे आ जाएंगे? 99। तो ये मेरे पास जो डिस्टेंस आएगा, मास जो आएगा 1 ग्राम, और डिस्टेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो ये जो डिस्टेंस मेरे पास आएगा वो कितना आएगा? 49 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस जो आएगा 49 का स्क्वायर प्लस 99 मास है, अगेन डिस्टेंस इधर को सेम होगा 49, तो डिस्टेंस कितना आएगा? 49 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है? 99 प्लस 1, 1 प्लस 99 जो के बन जाएगा 100, और इनटू 49 का स्क्वायर। उसी तरह से फिफ्टीथ टर्म होगी, तो 50 टर्म्स में क्या होगा? एक तो 0 आ जाएगी एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? 100।
अब देखो जीरो पे, जीरो पे कोई मास प्लेस ही नहीं किया हुआ है, 1 ग्राम कहाँ पे रखा हुआ है, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। इट मीन्स जीरो के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा ही नहीं, क्लियर, जीरो मान लेते हैं उसको। प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए होगा, 100 पे, जो 100 पे रखा हुआ है, तो उसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ से, ये जो डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर, 100 उसकी बात करें तो। ये मेरे पास कितना बन जाएगा, 100 × 50 का स्क्वायर, क्लियर। तो आई वन में देखो क्या आ रहा है, 101 का स्क्वायर आ रहा है, आई टू 102 का स्क्वायर आएगा, फिर 103 का स्क्वायर आएगा, उसी तरह से 100 × 49 का स्क्वायर और 100 × 50 का स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं निकालूं, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं यहाँ पे डिटरमाइन करूँ, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा यहाँ पे वो सबका सम आ जाएगा, क्लियर। और सबका सम कितना आएगा, आई वन प्लस आई टू डैश 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 50, क्योंकि 50 टर्म है यहाँ पे। अब देखो सबके साथ क्या है, सबके साथ तो 100 आ रहा है, 100 यहाँ पे 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 आ रहा है, 100 तो सब में कॉमन है, तो 100 तो कॉमन आएगा। फिर क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर आएगा, 4 का, 49 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। तो लास्ट टर्म के साथ कितना आ रहा है, 50 का स्क्वायर। तो वो आपके पास आ रही है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 50 टर्म है, तो 50 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आपको सम ऑफ, ये जो सीरीज बन रही है स्क्वायर की, इसका सम निकालना है। तो इसका क्या फार्मूला है, स्क्वायर ऑफ सीरीज का फार्मूला है n(n+1)(2n+1)/6। अब नंबर ऑफ टर्म कितनी है यहाँ पे, 50, तो n कितना आएगा, 50। नेक्स्ट देखो n+1, तो 50 + 1 कितना आ जाएगा, 51। नेक्स्ट क्या है, 2n+1, तो n कितना है, 50, तो 2 × 50 100 + 1 101, तो ये कितना आएगा, 101। और इस पूरी टर्म को हम डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 × 3 = 6, और ये कितना आएगा, 25, और ये 3 से कटेगा यहाँ पे, वो कितना आ जाएगा, 17। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगी टर्म, ये मेरे पास टर्म जो आ जाएगी 100 × 25 × 17 × 101। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 4292500, 500, ये 2 है, क्लियर। लेकिन ये किस में आएगा, ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर में आएगा। अगर इसी को मैं कन्वर्ट करूँ इसमें केजी मीटर स्क्वेयर में, तो केजी मीटर स्क्वेयर में ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो बन जाएगी मेरे पास, वो कितनी बन जाएगी, 0.43 kg/m², क्लियर। तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आएगा अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स।